दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक दूसरा चैनल ओपन किया है जिसमें मैं ऐसे ही मज़ेदार और मोटिवेशन मूवीज को एक्सप्लेन करता हूँ और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि लंगड़ाते हुए जंगल में भटक रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर भूत पिशाच का साया है और वो लड़की एक तालाब के पास आकर उस तालाब के पानी के अंदर चली जाती है। अब इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है इसको जानने के लिए हमें पास में जाना होगा। हम टॉम नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि दरअसल उस लड़की का बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे थे। ऑफिसर उसे दो फोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये दोनों कौन है, लेकिन टॉम कहता है कि उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी ऑफिसर और एक लड़की की फोटो उसके सामने रखता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की है, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में जंगल में लंगड़ा कर चलते हुए देखा था और उसकी नाम थी सैमेंथा। अब अगले सीन में हम टॉम को सैमेंथा की तस्वीर खींचते हुए देखते हैं जहाँ पर सैमेंथा बोर होकर एक शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ सामान खरीदने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ टॉम एक दूसरी लड़की की फोटो खींचने लगता है। इधर मॉल के अंदर सैमेंथा जब कुछ खरीद रही थी तभी उसके पास एक औरत आकर उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो औरत एक पिशाच है और उसने पिशाच बनने के लिए PhD भी करके रखा है। यहाँ पर वो सैमेंथा के ऊपर जादू टोना करने के लिए आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक मुच्छरधारी दादा आकर उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही पेल दूंगा, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और इसके बाद सैमेंथा उस मुच्छर दादा को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन यहाँ पर वो मुच्छर दादा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे सैमेंथा काफी डर कर अपने बॉयफ्रेंड यानी टॉम के पास चली जाती है। अब रात में वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पर वो मुच्छर दादा भी आया हुआ होता है। यहाँ पर बार में एक लड़की मुच्छर दादा को घूरने लगती है जिसको देखकर मुच्छर दादा सोचता है कि आज तो मजा ही आ जाएगा। इधर टोनी सामान्था को एक गिफ्ट देकर उसे खोलने के लिए कहता है और सामान्था जब उस बॉक्स को खोलती है तभी वो देखती है कि उसके अंदर एक नेकलेस है जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद सामान्था वहाँ पर एक बार डांसर के साथ नाचने लगती है जिसको देखकर वो मुच्छर दादा लाल टपकाने लगता है। और टॉनी जब उसे देखता है तभी वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो कि बार के अंदर मुच्छर दादा को देख रही थी वो मुच्छर दादा के पास आकर उसे अपने साथ अपनी मसाज कराने के लिए अपने घर लेकर जाती है। इधर टॉम और सैमेंथा जब बार से निकलकर घर जा रहे थे तभी टॉम एक दुकान के सामने आकर सैमेंथा को अकेले ही घर जाने के लिए कहता है और वो एक दुकान के अंदर जाकर एक इज्जत ढकने वाली कपड़े को खरीदता है जो कि सच में काफी खूबसूरत थी। यहाँ पर वो लड़की उसे ये काले लंगोट को कर कहती है कि इसे तुम खींच भी सकते हो और निचोड़ भी, जिसके बाद वो लड़की उसे पैक करने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी उस लड़की की गर्मा गर्म तवे को देख रहा था और उसमें अपनी रोटी को सेकने के बारे में सोच रहा था। खैर, इसके बाद वो कपड़े खरीद कर घर आता है और सामान्था को वो कपड़े देकर उसे पहन कर आने के लिए कहता है, जिसके बाद सामान्था उस कपड़े को पहनने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस मुच्छर दादा को देखते हैं जो कि उस बार वाली लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। इधर सामान्था टोनी के पास आकर कहती है कि ये तुम क्या लेकर आए हो और ये मैं नहीं पहनूंगी, जिसको सुनने के बाद टोनी काफी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैमेंथा भी काफी परेशान होकर एक बार में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उस चुड़ैल औरत से होती है जो कि उसे उस शॉपिंग मॉल में मिली थी। यहाँ पर उस चुड़ैल औरत के साथ सैमेंथा की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और सैमेंथा उससे कहती है कि उसकी बॉयफ्रेंड उससे खुश नहीं है क्योंकि वो अपने तवे में उसको रोटी सेकने नहीं देती, जिसको सुनने के बाद वो औरत सामान्था को एक जमाल गोटा देती है और कहती है कि इसको पीने के बाद उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो कुछ भी कर सकती है। खैर, अब अगले दिन सामान्था उस हॉट ड्रेस को पहनकर टॉम के पास आती है और यहाँ पर वो दोनों अपने सामान की मिलावट करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद सामान्था वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है और जब वो शीशे की तरफ देखती है तभी वो देखती है कि उसकी शक्ल पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। दरअसल उसने जिस जमाल गोटा को पिया था उसी की रिएक्शन की वजह से वो धीरे धीरे चुड़ैल में बदल रही थी। अगली सुबह टॉम जब नींद
से उठता है तभी उसे घर पर कहीं पर भी समानता नहीं मिलता, जिस वजह से वो उस मुच्छर दादा के पास जाता है और वो मुच्छर दादा उसे उस औरत के पास लेकर जाता है जिसने अगली रात समानता को जमाल घोटा दिया था। यहाँ पर वो औरत कहती है कि मैंने अगली रात उसे वो दवाई दी थी लेकिन अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हम एक आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि जंगल में पेंटिंग कर रहा था, तभी उसे अचानक कुछ आवाज आने लगता है जिसको फॉलो करते हुए वो बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ पर उसे समानता मिलता है जो कि पूरी तरीके से एक चुड़ैल में बदल गई थी। यहाँ पर वो आर्टिस्ट समानता को देखकर काफी परेशान हो चुका था पर फिर भी वो समानता को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर वो समानता को खाने के लिए भी देता है लेकिन खाना खाने के बाद समानता वहाँ से भाग जाती है और वो आर्टिस्ट भी समानता को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगता है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो कि उस बेसमेंट के पास पहुंच चुका था जहाँ पर पहले समानता छुपी हुई थी। वहाँ पर उसे वो लॉकेट मिलता है जो कि उसने ही समानता को दिया था जिसको देखकर वो समझ जाता है कि समानता जरूर यहीं कहीं पर ही है। अब काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे फाइनली समानता मिल जाता है लेकिन जब वो समानता को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वो आर्टिस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। दरअसल वो आदमी सोच रहा था कि टॉम समानता को मारने के लिए यहाँ पर आया है और टॉम भी सोच रहा था कि वो आदमी समानता को पकड़ कर अपने साथ लेकर जाना चाहता है, इसीलिए उन दोनों के बीच वहाँ पर बहस होने लगता है। पर टॉम उसे जब सब कुछ सच सच बता देता है तभी वो टॉम के ऊपर भरोसा कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम मुच्छर दादा से मदद मांगता है और मुच्छर दादा भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो मुच्छर दादा उस चुड़ैल औरत को पकड़ कर अपने साथियों के साथ उस जंगल के लिए निकल पड़ता है। इधर हम उस आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि समानता को पकड़ लिया था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मुच्छर दादा आकर उसके ऊपर शूट करके समानता को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद वो लोग समानता को एक घर पर लेकर जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टॉम भी पहुँच जाता है जिसके बाद वो लोग टॉम को भी पकड़ लेते हैं और समानता के साथ फिर से जबरदस्ती करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि समानता के अंदर कुछ केमिकल लोचा होता है जिस वजह से समानता अपने जंजीर को तोड़कर उस मुच्छर दादा को पकड़कर उसे मारने लगती है। लेकिन टॉम उसे ये सब कुछ करने से मना करता है जिससे वो उसे छोड़कर अपने चेहरे को शीशे में देखने लगती है। अब अपने चेहरे को देखकर वो काफी डर जाती है और नीचे गिरकर रोने लगती है। पर तभी उसके पास टॉम आकर उसे संभालता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं और वो लोग टॉम को पकड़ लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम जेल से रिहा हो चुका है और इधर सैमेंथा भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, जिसके बाद टॉम उसके पास आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।